ये मारुति है, जाओ। हाँ ये मारुति है, ये मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आप इनसे कह दीजिए कि ये टाटा सुमो है। कह दीजिए तेरी तो मैं तुझे बताता हूँ ये टाटा सुमो है कि मारुति है। मैं आपको सुन बैजू, वो गन मुझे दे दो। वो गन उसे मत देना, मुझे देना। डैडी का दोस्त हूँ, तुम्हारे डैडी ने भेजा मुझे। बैजू मुझे गन दे दो। बैजू बेटा इसे मत देना, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, मुझे दो। बैजू मेरे को देना, पापा का दोस्त हूँ बेटा, मुझे दो, इसे मत देना, दे दो मुझे। तुम्हारा डैडी तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ नहीं है। माँ कहाँ है? वो तो मर गई। सॉरी सर। कोई बात नहीं। कहाँ नौकरी कर रहे हैं? हाँ जॉब में हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। हैदराबाद ब्रांच में? नहीं नहीं, वाइजाग ब्रांच में। हाँ। हैदराबाद में ट्रांसफर हुआ है। बेटा ठीक से बैठो, और आप क्या करते हैं? मैं वाइजाग LIC में काम करता हूँ, अपनी बड़ी बेटी को देखने हैदराबाद जा रहा हूँ। एक ही बच्ची है या और भी बच्चे हैं? नहीं नहीं, इस बच्ची के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं। Oh my God, I'm sorry sir, so sorry. किस बात की सॉरी? What's wrong with you? वन पेपर गाड़ी ले आई, तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या सॉरी? एक तो रॉन्ग रूट से आ रही, ऊपर से सवारी बोल रही हो। गाड़ी ठोकर सवारी बोलने से फायदा क्या? जब चलाना नहीं आता तो गाड़ी खरीदी क्यों? मैं कहता हूँ 10-10 गाड़ी खरीद के पहले उसे चलाना सीखो, फिर रोड पर निकलो। अगर मैं मर जाता तो क्या करती आप? इसका मतलब गाड़ी चलाते समय आप किसी को भी ठोक सकती है, कुछ भी कर सकती है। यू डोंट हैव जजमेंट, यू गॉट अ लाइसेंस नाउ, यू गॉट लाइसेंस विद यू, यू गॉट लाइसेंस। लाइसेंस मतलब ये कि लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास। सी आई नॉट लीव पीपल लाइक यू, कम लेट्स गो टू द पुलिस स्टेशन, नथिंग टू डू, नो आई से नो प्लीज। किस बात की प्लीज? मैं कुछ सुनने नहीं चाहता, आप रोड में जो चाहेंगे करेंगे, किसी को भी ठोकेंगे। नथिंग नथिंग डूइंग, वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, पुलिस स्टेशन जाना है तो मैं चलती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है जानबूझकर नहीं किया है, मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है। रॉन्ग रूट से आई हूँ मैं, लेकिन मैं रॉन्ग रूट से क्यों आई हूँ ये नहीं पूछा आपने मुझसे। मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही सीरियस है, ही इज इन हॉस्पिटल, उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है, हॉस्पिटल से फोन आया है। टेंशन में मैंने गलत रास्ता ले लिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है कि जो मैं आपसे टकरा गई। लेकिन इन सब बातों से आपको क्या, आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं ना, तो चलिए चलिए। सॉरी, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आपने मुझे कुछ बोलने का मौका कहाँ दिया जो मैं बोलती? अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया तो आपको उससे क्या, आपको तो सिर्फ बाइक लाइसेंस और रूल्स की जरूरत है। चलिए जल्दी कीजिए, पुलिस स्टेशन लेकर चलिए। आई एम सॉरी, मुझे ये बात पता नहीं थी। मिस जयप्रदा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ये बात पता नहीं थी। आप पहले हॉस्पिटल जाइए। रहने दीजिए, बस मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे ना, चलिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप हॉस्पिटल जाइए प्लीज, आप हॉस्पिटल जाइए जयप्रदा, प्लीज प्लीज।
दिस इज माय कार्ड। ये क्यों? आपको बाइक की रिपेयरिंग करने में जो खर्चा आएगा वो मैं दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई चिंता नहीं, आप रख लीजिए। खर्च तो चिंता नहीं, रख लीजिए। थैंक यू। क्यों भाई, हमारा चक्री आने वाला है क्या? मुझे मालूम नहीं सर। पता रखना चाहिए। क्या मतलब? ये जो मैं खा पी रहा हूँ उसका बिल भरने के लिए। मतलब? खाना पीना मेरा काम है, बिल भरना उसका काम है। ए बोसू, देखो मेरा चक्री आ गया। सुबह से तुम कहाँ गए थे? मैं रूम पे गया तो पता चला तुम यहाँ। क्या हुआ? छोड़ो, छोटा सा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक लड़की के दादा को अटैक आया था, वो जल्दी में जा रही थी, उसने मुझे ठोक दिया। छोड़ो, रूम पे चलते हैं। रूम पर नहीं जाने का, हम लोग एक डांस प्रोग्राम में जा रहे हैं। क्या मतलब? केबरी डांस? कॉलेज में डांस है, सेंट वुमेन्स कॉलेज सेलिब्रेशन डे। लेडीज मिडी सूट, कटिंग सूट, कलर सूट। ए रुको, बेस्ट फेलो, पिछले बार भी तुमने मुझे बॉयज कॉलेज के फंक्शन में लेकर गया था, वहाँ सब गड़बड़ हो गया। इस बार कंफ्यूज हो गया था, इस बार बिल्कुल कंफर्म हूँ। हमें जहाँ जाना है वो है गोरा जाड़ा कला क्षेत्र। करेक्ट। ठीक है चलो। ए, लेडीज कॉलेज का फंक्शन बोल के लाया, यहाँ तो कोई और है। पहले पूजा का कार्यक्रम। बोसु, कॉलेज का फंक्शन बोल के लाया, यहाँ तो सब बुड्ढे बुढ़िया हैं। अरे ये सब लड़कियों के माता पिता हैं। बोसु, यहाँ तो सब ज्यादा उम्र की हैं। सब पुराने स्टूडेंट्स हैं। दादाजी एक बात बताओ, ये जूनियर गर्ल्स कॉलेज का ही फंक्शन है ना? सामने लिखा है ना किसका कार्यक्रम चल रहा है, तुम्हारे पास पास है ना? हाँ। तो फिर देखो। हाँ देखता हूँ। मेरा दिमाग मत चाटो। वासु, तुमसे एक डिस्कस करनी है। डिस्कस करना है? चलो। कंफ्यूज हो गया। ये सब जो चल रहा है यहाँ, ये गोरा जाड़ा कला क्षेत्र है ना? हाँ वही है। अरे बाप रे, पकड़ा गया। हम लोगों को जहाँ जाना था वो तीन देती विश्वनाथ हॉल है। गोरा जाड़ा कला क्षेत्र में नहीं जाना था, नहीं जाना था, नहीं जाना था, नहीं जाना था, समझे? तुमसे बोला था गोरा जाड़ा कला क्षेत्र जाना है। चल। जरूरी है क्या? मैंने बोला ना बहुत जरूरी बात करनी है, चल। यहाँ नहीं, बाहर चलेगा। चल चल। तुमने तो कमाल कर दिया। आप लोग कौन हैं? हम लोग तुम्हारे फैंस हैं। जी हाँ, अच्छा, मैं आपका फैन हूँ। बोसू, ये जयप्रदा जी हैं और ये मेरा फ्रेंड बोसू। ये बहुत बड़ी एक्टर हैं, ऑस्कर रेंज की। ठीक कहा बेबी रंभा, तुम जाकर उर्मिला के बाजू में खड़ी रहो। तुम्हारे ऑस्कर को ये मेरा पुरस्कार है। प्लीज प्लीज। बेचारी के दादाजी को हार्ट अटैक आया था, फिर भी ये प्रोग्राम में आई हुई है। लगता है डॉक्टर ने इन्हें प्रोग्राम में आने के लिए बोला। I'm so sorry. कोई बात नहीं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बदलने नहीं आया हूँ और ना ही आपको कुछ कहने आया हूँ। बस आइंदा किसी के इमोशन के साथ मत खेलना। बात वो नहीं है, मेरे प्रोग्राम का टाइम हो रहा था और आपने पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा था, इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी। जयप्रदा एम्पोरियम, ये भी झूठ है ना? बोलिए, चुप क्यों हैं आप? जी हाँ, सुबह शॉपिंग करने गई थी तो दुकानदार ने दिया तो था। आपने मुझे इस तरह झूठ क्यों बोला था? सामने वाले की फीलिंग्स की आपको परवाह ही नहीं है। आप एक अच्छी डांसर हैं और उससे भी अच्छी एक्टर हैं। जिंदगी में ऐसा कभी मत करना। दिस इज योर फ्रेंड, बाय। उसने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला कि उसके दादाजी को हार्ट अटैक आया है? वो सब तो ठीक है, अपना विजिटिंग कार्ड बोलकर दुकान वाले का कार्ड दे दिया। वहाँ जाकर अगर बोले कि मुझे मार लगी और पैसा मांगे तो? अरे तू हंस क्यों रहा है? इसलिए इसलिए कि उसने मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। और इस तरह का मुझे कभी समझ नहीं आएगा यार। चल चलते।
क्या दादी माँ, आप बाहर बैठी हैं? क्यों बैठी हूँ? तुम्हारा इंतजार करते करते मैं थक गई, इसलिए अंदर से बाहर आकर बैठी। वो किस लिए? तुम्हारे लिए खबर है। वो क्या? ये लो देखो बेटा। क्या खबर है? देखो। दादी माँ, मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी मिल गई। अरे वारी जाओ, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता था कि तुम्हारे अलावा ये नौकरी किसी को मिल ही नहीं सकती है। और तुम्हारी एक खुशखबरी है। What? ये देखो, इधर तो देखो। What? No. जयप्रदा एम्पोरियम, तुम तो बहुत बड़ी महान हो। और कुछ नहीं मिला था बोलने को दादाजी। जब ही अपने दादाजी को 4-5 बार मार सकती है तो हम लोगों को तो 100 बार मार सकती है। अरे मरे को मारा तो कोई बात नहीं, जिंदा को मारे तो प्रॉब्लम है। लड़का चाहे तो लड़की से सवाल कर सकता है। मेरा पोता चक्री कुछ नहीं पूछने वाला। जब ये छोटा था तो नहाकर बिना कपड़े खड़ा रहता था, शर्म के बारे कुछ नहीं बोलता था। दादी माँ, ऐसी बातें अभी क्यों कर रही हो? तो फिर तू ही कुछ बोलना। मैं कुछ पूछ सकती हूँ क्या? क्यों नहीं पूछ सकती, मेरा चक्री हर काम में फास्ट है ना चक्री? चक्री नहीं, चक्रवर्ती। ठीक है, तू चुप रह लल्लू। कोई भी कुछ भी बोले, तू तो मेरा विश्व चक्री है बेटा। पूछो बेटी जो पूछना है। आपको गाना गाना आता है क्या? क्या गाना? क्या हुआ, शौक लगा क्या? ये तो गाना गाने में शंकरा वर्णम है, तू तो सागरा सागरम है, और तुम लोगों की शादी हो गए तो एक साल में स्वाति मुत्यम। ये सब छोड़िए, पहले शादी का मुहूर्त तो निकलवा लीजिए। जल्दी निकालना है। क्यों बेटी, मेरा चक्री तुम्हें पसंद आया ना? मेरा चक्री किसको पसंद नहीं आएगा। क्यों रे चक्री, तुझे लड़की पसंद आई ना? हाँ। जब दोनों एक दूसरे को पसंद है तो जल्दी मुहूर्त निकालो। आया खुशी का दिन देखो, दिल झूम के नाचे गाए रे, मन में लड्डू फूटे अब तो कौन यहाँ शर्माए रे। आया खुशी का दिन देखो, दिल झूम के नाचे गाए रे, मन में लड्डू फूटे अब तो कौन यहाँ शर्माए। राजा आएगा दुल्हन को ले जाएगा, बैंड बाजों के संग में धूम धड़ाकम मचाएगा। आई है कैसी शुभ घड़ी देखो, अरे बारात देखो। आएगा मजा कितना ये सोचो, आएगा मजा कितना ये सोचो। राजा आएगा दुल्हन को ले जाएगा, बजती है शहनाइयां झूमेगा वो नाचेगा। आई है कैसी शुभ घड़ी देखो, अरे बारात देखो। न सताओ ऐसे, न मुझको तुम लुभाया करो। अब मुझसे तो रहा नहीं जाए, बेकाब मेरा मन बहका जाए। अभी तो संभालो दिल को। अरे इतनी देर क्यों लगा दी पद्मा?
क्या करती, सूर्य मामा फोन ही नहीं रख रहे थे। तो क्या कह रहे थे फोन पर सूर्य मामा? ये क्या है? ये कोनियक। कोनियक तो ब्रांडी है ना? ब्रांडी? हाँ। छीछी, ये इम्पोर्टेड ग्रेप जूस है। नहीं, ये ब्रांडी है। कौन बोला तुमसे? मुझे किसी ने बताया। जिसने बताया वो पिया हुआ था। नहीं चक्री, ये ब्रांडी है। I know very well। नहीं पद्मा, ये इम्पोर्टेड ग्रेप जूस है, लो पियो इसे। अरे दिस इज इम्पोर्टेड ग्रेप जूस, कोनियक। कोनियक इम्पोर्टेड ग्रेप जूस। Are you sure this is grape juice? 100%, मैं भी पी के दिखाता हूँ। Come on, मेरी बात मानो पद्मा। चल रहा है। ब्रांडी जैसा इंपोर्टेड स्ट्रॉन्ग ग्रेप जूस है, कुछ नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। बहुत ठंड लग रही है। एक ग्लास और दो ना। हाँ? ओके। ये ग्रेप जूस ही है ना? हाँ, ये देखो, ये लिखा है 100%। वाओ, कोनिया ब्रांडी नहीं है। नहीं है, जूस है। करेक्ट। ये जूस नहीं है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, हनीमून, मेरी जान। अरे चक्री, ये गलत है, तुम्हें जूस ज्यादा हो गया है। ज्यादा तो हो गया, लेकिन मुझे और थोड़ा चाहिए। नो, और नहीं पीने का, बहुत हो गया। चाहिए। अब मैं तुम्हारे होठों पर किस करूंगा। अभी तुम वेट करो, I'll go have a shower and come back, ओके? पद्मा, और कितनी देर लगाओगी? तुम अगर नहीं आई तो मैं आ जाऊंगा। मैं 1 से 10 तक गिनता हूँ। 1, 10। कहाँ हो तुम? डार्लिंग, आओ। कोनियक ब्रांडी ने जूस है। आओ पद्मा। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पत्नी ने एक फूल सी बच्ची को। Thank you very much, doctor. I love you, doctor. हाय, मैं क्या करूं? खुशी से मैं छूं, बस में नहीं है दिल ये मेरा, बस में नहीं है दिल ये मेरा। देखा था जो सपना वो पूरा हो गया, उसी सपने में मैं ऐसा खो गया। चलो जो मांगा वो सब मिल गया। आज न कोई रोको रे, आज न कोई टोको रे, करता हूँ जो करने दो, मुझको मस्ती करने दो। नन्नी मुन्नी रानी मेरे घर आई रे, वो सब ना चोरे। खुशी का मैं कैसे इजहार करूं, तुम ही बताओ मैं जीऊं या मरूं। जानू, मुझे छोड़ो चक्री, बहुत काम है। अरे ये क्या, मैंने बोला छोड़ दिया। तुमने मुझे छोड़ने को क्यों बोला था? वो तो ऐसे ही बोला था मैंने। पद्मा, पद्मा, पापा बैठिए ना। पापा को बिठाओ पद्मा, मैं भी अभी आता हूँ। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। रहने दो बेटी। कोई बात नहीं पापा, मैं बैठो, बैठो ना बेटी। कैसी है मेरी मुन्नी?
क्यों बेटी, खुश हो ना, हैप्पी हो? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं पापा? इतने सालों बाद भी आई एम वेरी हैप्पी। आई नो यू आर हैप्पी। थैंक यू पापा। वो किस लिए बेटा? आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया। पापा जी, लगता है आप लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है दामाद जी, आओ बैठो। आओ बेटा, ये है मेरी दुनिया। दिस इज माई वर्ल्ड एंड आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। तुम भी मुन्नी। तुम ही तो हो सब कुछ। पद्मा चक्री। चक्री चक्री, देखो इस वक्त बेबी कहाँ है? आओ बैजू। डैडी, आपको डर लग रहा है क्या जो मम्मी को पकड़े हो? आओ बेटी, तुम्हारे ही बात कर रहे थे। डैडी डैडी, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, मैं आपके पास सोऊंगी डैडी। पद्मा कॉफी लाओ ना। पद्मा बेजू, पद्मा 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 बेजो, पद्मा पद्मा। आंटी, आपको पद्मा दिखाई दी क्या? नहीं बेटा। हेलो पापा, मैं चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। पद्मा आई क्या वहां पर? मैं सोकर उठा तो घर पर दोनों नहीं थे, वो पता नहीं वो दोनों लगता है आ गई। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। पद्मा कहाँ गई थी तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बता क्यों नहीं रही हो? मैंने फोन करके तुम्हारे पापा से पूछा, उन्हें भी कुछ नहीं पता। बाहर इतनी बारिश हो रही है, पता है मैं कितने टेंशन में आ गया था। हैप्पी बर्थडे चक्री। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। थैंक यू। सॉरी पद्मा, थैंक यू वेरी मच। इतनी जल्दी कपड़े भी बदल लिए? बेजू ऐसा मत करो। मैं अपने कपड़े खुद सुखाऊंगी। बेटा संभल के। बेजू नहीं,
ए ए बेजू 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 ऐसे नहीं दौड़ते बेटा। बेजू बी लाइक अ गुड गर्ल। गुड गर्ल ऐसे नहीं दौड़ते। आप गुड गर्ल हो या बैड गर्ल? मैं गुड गर्ल हूं तभी तो दौड़ती हूं। ए ए बेजू 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 बेटा ऐसा भीड़ में दौड़ोगी तो भूल जाओगी और फिर मैं ढूंढता रहूंगा रोता रहूंगा। अरे पापा को बुलाऊंगा। हां इधर फेंक। हां मुझे दे मुझे। अरे अबे ए ए अरे दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो क्या? पास कर पास कर। अरे अबे इधर पास कर। अरे अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये प्लेटफार्म है प्ले ग्राउंड नहीं। जा जाओ। अरे दीजिए ना हमने दीजिए। चलिए हाय पद्मा। आराम से आराम से। मम्मी को अंदर ही छोड़ा है क्या? कैसी हो तुम? और ये बताओ तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ पद्मा। और सामान इतना ही है कि अंदर भी है? एक सूटकेस है। ओके। ये काम का नहीं है। बेजू तुम यहीं बैठना। बोसो अंकल अभी तक आए नहीं है। मैं उनको फोन करके आता हूँ। ठीक है बेटा यहीं बैठना। ओके ओके। हाँ ला मुझे दे मुझे दे। हाँ फेंक फेंक फेंक। अरे इधर दे। हाँ 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 दे मुझे मुझे ये ले ये ले। हाँ 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 आंटी बोसु घर पर है या फिर कहीं गया हुआ है? हाँ 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 इधर दे इधर ये पकड़ पकड़। अरे इधर फेंक फेंक। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। इधर इधर ला इधर। ए, तुम लोगों को कॉमन सेंस नहीं है? छोटी बच्ची यहाँ बैठी है तुम लोग यहाँ खेल रहे हो। लग गया तो फेक, फेक, अरे तो कौन है पूछने वाला? दे मुझे। चलो इस तरह से झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखो इंस्पेक्टर, ये लोग प्लेटफॉर्म को प्लेग्राउंड समझकर बॉल खेल रहे हैं। उधर मेरी बच्ची बैठी है, अगर उसे लग जाता तो मैंने मना किया तो झगड़ा करने लगे। समझाओ इन्हें। मैं इन्हीं लोगों के बारे में बता रहा था। जब इसने मना किया तो तुम लोगों ने सुना क्यों नहीं? चलो पुलिस स्टेशन। आप जाइए सर प्लीज। तुम लोग मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो। मैं कहता हूँ चलो चलो। ये करेक्ट है। एक्सक्यूज मी, आपके बैग की तलाशी लेनी। बैग चेक करना है? वो क्यों? वन सेकेंड। पुलिस, इट्स ओके ना? ओके इंस्पेक्टर, बट आप मेरा बैग क्यों चेक करना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा नाम चक्रवर्ती है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। हैदराबाद में अभी ट्रांसफर हुआ। नो प्रॉब्लम, मेरे साथ आइए। वन मिनट इंस्पेक्टर। ओ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उन लोगों से झगड़ा कर रहा था? दरअसल मेरी बच्ची को घेर कर वो लोग बॉल खेल रहे थे। इंस्पेक्टर, आपको पता है कि प्लेटफॉर्म पर बॉल खेलना मना है, और जब मैंने उन लोगों को इस बात के लिए मना किया तो वो लोग उल्टा मुझसे झगड़ा करने लगे। अगर मेरी बच्ची को बॉल लग जाती तो? बोलिए। नथिंग पर्सनल, वी हैव टू चेक योर बैगेज एंड दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ओके ओके इंस्पेक्टर, चलो आप चेक कर लीजिए। तो प्लीज। अरे मेरी बच्ची को कहां ले जा रहे हैं? समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं बैंक का मैनेजर हूं। आप मेरा, दैट्स ऑल, आई जस्ट, मेरी बच्ची को क्यों लेके जा रहे हैं? लेकिन प्लीज कम, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स। समझने की कोशिश कीजिए। जस्ट 2 मिनट्स। आप प्लीज, डोंट वरी सर, 2 मिनट्स, गेट इन। मिस्टर चक्रवर्ती, डोंट गेट टेंस्ड। मैं अपने डैडी के पास बैठूंगी अंकल। कोऑपरेट कीजिए। आपके डैडी तो यहीं पर है ना? बेटा कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे डैडी। बेटे चिंता मत करो, मैं यही हूँ। ओके डैडी। इंस्पेक्टर, मैंने जो कहा था आपको झूठ लग रहा है। मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ, मुझे आज ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मिस्टर चक्री, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपका नाम क्या है बेटा? बैजू। वेरी स्वीट नेम। यू लाइक म्यूजिक? ओके। आपने मेरा बैग चेक करने का कहकर गाड़ी में बैठा लिया, ये मुझे समझ में नहीं आया। आप मेरा बैग जल्दी चेक करो तो फिर मैं जाऊँ। ओके चक्री, लेट्स कम टू द पॉइंट। हम बिजनेस की बात करते हैं, एक छोटी सी डील। कौन है आप? मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप क्या बोल रहे हैं? आओ बेजू, आओ। नथिंग पर्सनल, मैं जो बोल रहा हूं तुम सुन नहीं रहे हो, मार दूंगा। इस लिफाफे में एक फोटो है,
और वो आदमी भास्कर पैलेस में है। तुम अभी गाड़ी से उतरकर होटल में जाओगे, डायरेक्ट होटल में, और इस लिफाफे में जिस किसी का भी फोटो है इसी रिवॉल्वर से उसे मार देना। हा? मैं मारूं? हाँ तुम। मैं उसे क्यों मारूं? आप पागल हो गए? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूं तुम सुन नहीं रहे हो। तुम्हारे अंदर लगता है दम ही नहीं है, इतना भी नहीं सह पाए। अगर बच्ची को गोली मार दूं तो क्या होगा? छोटी बच्ची। आप मारोगे ना? समझ गए ना? मैं कौन हूं आप नहीं जानते, आप कौन हूं मैं नहीं जानता। स्टेशन से लाकर आप मुझे उसको मारने को बोल रहे हैं, मैं उसे क्यों मारूं? तुम्हें जब मारा तो सहन नहीं कर पाए, इसे जब गोली मारेंगे तो सहन कैसे करोगे? हाँ अभी टाइम हो रहा है 11:42, बराबर 1 बजे के अंदर लिफाफे में जिसका फोटो है खत्म होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बेटी। प्लीज समझने की कोशिश करो चक्री। हाँ। सोचो तुम्हें बच्ची चाहिए या नहीं। ये लो चक्री, बी अ गुड फादर। विनायक जी अगर 1 बजे तक खबर नहीं मिली तो क्या करोगे? प्लीज टेल मी। खत्म कर दूंगा। डर गए क्या? कोक है। काम खत्म होने तक बच्ची मेरे पास रहेगी। माय गॉड। भगवान वो क्या करेगा? तुम्हारी बच्ची को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। सिर्फ तू ही बचा सकता है। टाइम बहुत कीमती है, इसे वेस्ट मत करो चक्री। बेजू। क्या बात है डैडी? बेजू मुझे एक छोटा सा काम है, मैं काम करके आता हूँ, तब तक बेटा तुम यहीं रहना, ठीक है? ओके डैडी, जल्दी आना डैडी। होटल भास्कर पैलेस कहाँ है? ठीक है जाओ। ए चक्री ये क्या गलत कर रहे हो? डोंट एक्ट स्मार्ट, डू योर जॉब। सर मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ और ना ही मार सकता हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊंगा। आई कांट डू इट। ओके तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, मगर अपनी लड़की को भूल जाना। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं तुम्हारी बच्ची को मार दूंगा। बैजू को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो। समझ गया। समझ गए ना? बोलो। कम ऑन चक्री, बोलो बोलो। ठीक है,
मारूंगा उसे। भास्कर पैलेस। आप ही शहर के नहीं हो साहब जी, लगता है नए हो। भास्कर पैलेस तो नजदीक में ही है, आपको ज्यादा नहीं घुमाऊंगा। मेरा मीटर तो बराबर है साहब जी, वैसे कई ऑटो वाले का मीटर बराबर नहीं रहता, और शहर में कोई बाहर से आ गया तो उसे सही जगह पर ले जाने से पहले इतना घुमाते हैं कि क्या बताऊं। मेरे जैसा ईमानदार ऑटो वाला आपको इस शहर में एक आदमी मिलेगा साहब जी। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो? खैर कहीं के भी हो चलता है साहब जी, धंधा पानी है, कमाने के लिए आए हैं, जहाँ कमाई हो वहीं जाना पड़ता है। अब देखिए ना, मैं रहने वाला हूँ पटना का और आ गया हैदराबाद में। सुनो, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरी मदद करोगे तुम? हम लोग भी कभी कभी प्रॉब्लम में रहते हैं सर जी। अरे 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 अरे, तेरी तो अंधा है क्या, दिखता नहीं क्या? देखा सर, इन लोगों को गाड़ी चलानी तो आती नहीं है और लाइसेंस मिल जाता है इनको। कार्ड? क्रेडिट कार्ड दे रहे हो क्या साहब जी? मैं अभी स्टेट लेवल का नहीं हुआ सर जी, कैश ही दे दीजिए सर। प्लीज कार्ड रखो। थैंक यू सर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आदर्श नगर, इसका मैं क्या करूं? सर क्या आप पागल हो गए हैं? सर मेरी बेटी लौटा दो सर, आपको जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ सर। सर सर, किसी को थोड़ी सी भी चोट लगती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है सर, मैं उसे नहीं मार सकता, वो गवर्नर है सर। मारने सर, वाला कभी भी ना सर, गवर्नर देखता है ना गार्ड, एक जैसे। कवर में जो गवर्नर की फोटो है उसे देखो सर, प्लीज सर। वो कब कहाँ किधर रहेगी वो देखो, वो अभी बुफे हाल में है, जल्दी जाओ और काम खत्म करो। सर 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 प्लीज सर। सिक्योरिटी बराबर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैंने फाइल स्टडी कर ली है और रिपोर्ट सबमिट कर दी है। right. सर वो जरा मैडम से साइन करो। ठीक है, तुम जरा हॉस्पिटल वाला मैटर देख लेना। मैं देख लूंगा सर। कौन सी फ्लोर पर है? सेकंड फ्लोर सर। एक्सक्यूज मी
अगर दोबारा शिकायत आई तो अच्छा नहीं होगा। बाथरूम भी नहीं देखते हो, सफाई भी नहीं करते हो, इडियट्स। हेलो, एक्सक्यूज मी, हाय हाय, नो 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 नो, आप पेपर साफ कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी, सी मैडम, सी हियर, नो नो डस्ट मैडम, हमारा होटल एकदम क्लीन है, सिर्फ गमले में मिट्टी है। बाय द वे, माय नेम इज जेबी आनंद, मैनेजर ऑफ दिस होटल। आई एम संजना, सेक्रेटरी टू द गवर्नर, प्लीज टू मीट यू। थैंक यू। ओके मैडम, सी मैडम, अगर साफ सफाई की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेझिझक कह सकती हैं, मैं 24 घंटे यही रहता हूँ, आप मुझसे कंप्लेंट कर सकती हैं। ओके ओके, बाय, थैंक यू, नाइस गर्ल। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ये पैरों के निशान आपके हैं क्या? जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ मैं। ये साफ सफाई आपको दिखती नहीं है क्या? आखिर आप है कौन? मेरा नाम कुमरैया बोनगिरी, शादी में आया हूँ, मेरा रूम नंबर 501। यहाँ थूकने का नहीं, ये 5-स्टार होटल है। अरे ये झाड़ यहाँ क्यों रखा है? और थूकने के लिए तो रखा हुआ है यहाँ पर। अरे पागल है तू, बात करता है? थूकने के लिए झाड़ियां हैं, मुझे कितनी नॉलेज देकर गया तू, पता नहीं कहां से आ गया। जी आई एम सॉरी सर, गवर्नर आई हुई है, अभी अभी गई है। क्या सर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आइसक्रीम आइसक्रीम खाइए, उन्हें अपना स्पीच देने दीजिए। नाराज मत हो चक्री, बी स्पॉटेड। इसके बाद मेन हॉल में कल्चरल प्रोग्राम है, वहां तुम उन पर गोली चला सकते हो, मुझे भरोसा है। सर इसमें लिखा हुआ है कि डोनर अंदर नहीं जा सकता। गवर्नर की जान के तुम हकदार हो चक्री, तुमसे बड़ा डॉन कौन है? आप है कौन? कौन है आप? तुम्हारी बच्ची को मारने वाला। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कैसे, गुड नाइट बोलना चाहिए, पी रखी है क्या? लगता है आप भूल गए सर, रात को शराब पीकर जाने से पहले आपने मुझे 500 रुपए टिप दिया था सर। क्या 500 रुपए मैंने तुम्हें दिए? मैंने सोचा बीबी ने जेब से निकाले, मैंने उसे मार पीट के बाप के घर भेज दिया, ये क्या कर दिया? सर कुछ ऑर्डर देंगे? वो जो मास्टर ने पिया वो लेके आना। सादा पानी पिया है सर। सादा पानी में व्हिस्की मिलाकर लाना, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी लाओ। सुबह से पीना चालू कर दिया। काम नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा। बाहर आइए। क्यों? गवर्नर सेक्रेटरी बाहर आइए। किस लिए? ये लिफ्ट गवर्नर के लिए है, आप दूसरी लिफ्ट से जाइए सर, प्लीज सर आप जाइए। इट्स ओके। ओह, ये भी कला क्षेत्र से है, आईडी में यही लिखा है। मेरी सिक्योरिटी की वजह से सबको बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे मना करने के बाद भी कमांडोज आते हैं। मैडम आपके स्पीच में जो चेंज करना है बता दीजिए, कर देती हूँ, शायद लास्ट टू लाइन्स। मैडम वो यस मैडम, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बच्ची, ओह सॉरी,
मैं दूसरी लिफ्ट से आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, आप आ जाइए। थैंक यू सर। हाँ अब बोलिए, अपनी बच्ची के बारे में कुछ कह रहे थे आप। मेरी बच्ची आपकी फैन है, ऑटोग्राफ चाहिए आपका, इफ यू डोंट माइंड। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? ऑटोग्राफ लेने के लिए आपके पास पेपर तो होगा? हाँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो इस एनवेलप पर ले लीजिए। मैडम प्लीज। बेटी का नाम क्या है? बोलिए। वेजू, वेजंती। आर यू ऑल राइट? या बच्ची, बच्ची, जब तुझे इतना अच्छा गोल्डन चांस मिला तो तूने मिस क्यों किया? सिक्योरिटी के सामने कैसे मारता? इसीलिए तो मैं लिफ्ट में आया था। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अगर तू गवर्नर को मार देता तो बाकी सभी को मैं देख लेता। मैं इस खेल का खिलाड़ी नहीं हूँ, मुझे क्या पता। अगर तू गवर्नर को मार देता तो बाकी सब कुछ फिक्स था, सब हो जाता। इसी तरह कल्चर प्रोग्राम में जाना, कल्चर नहीं है। जाके मुंह धो लो। पिक अप योर पास। डिसिप्लिन और नीटनेस में हमारा होटल नंबर वन पर है और गवर्नर भी यहाँ पर आके ठहरी हुई है। यस सर, नो सर, नो, फर्स्ट डिसिप्लिन। सर एक्सक्यूज मी, आई विल कॉल यू बैक। तुम भी उस तरफ से आके धो लो। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। जेंटलमैन वो कौन है? मेरा नाम कुमरैया बोनगिरी है। ओके ओके ओके, सुनिए, ये जो जगह है वो हाथ पैर धोने के लिए नहीं है और नहाने के लिए भी नहीं है। तो किस लिए है? डेकोरेशन, डेकोरेशन। कौन सा रेशन? लुक, लुक, लुक के लिए। लुक? ये कौन है? ओ गॉड सर, इस जगह को सुंदर दिखाने के लिए रखा गया इसे यहाँ पर। सुंदर तो है, कौन बोला सुंदर नहीं है। प्लीज 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 हियर मी सर, यहाँ पर ये सब मत कीजिए, आप नीचे आ जाइए प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, जरा हाथ दो। देखिए कुमरैया जी, बोनगिरी, बोनगिरी, यस बोनगिरी, ये जो जगह है इन कामों के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? बोला ना, देखने के लिए है। अरे पब्लिक को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तुम इसे देखने के लिए रखा है? अरे रखना है तो शो केस रखो, झाड़ रखो, और ऊपर नीचे जगह है तो एक बड़ा झाड़ लगाकर उस पर झूला लगाकर झूलना। इट्स वेरी गुड आइडिया, बट हमारे पास इतना अच्छा दिमाग नहीं था। बट एक्चुअली बात ये है, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। ये बताओ, घर पर कोई आता है तो पहले क्या देते हो? कॉफी। तुम्हारे घर में और मेरे घर में जब कोई आता है तो सबसे पहले पानी देते हैं, और तुम्हें एक गिलास पानी देने में तकलीफ होती है, इसलिए इसे यहाँ रखा है। अरे बाल इतने घुंघराले और दिमाग बिल्कुल नहीं। चलो बाजू हटो। बात करते हैं। बोलो ईश्वर, तुम जानते हो ना मुझे बच्चे पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ मतलब,
ये बच्ची भुक्कड़ के जैसी चिप्स खाई जा रही है। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं इसे मार डालूं? एक बजे तक तुम नहीं रुक सकते क्या? वैसे भी गवर्नर का काम तमाम होने के बाद इस बच्ची को भी मारना है। अगर उसने एक बजे के पहले कहा कि बच्ची से बात करनी है और अगर बच्ची से बात नहीं हुई तो वो गवर्नर को नहीं मारेगा, समझ गए ना? वो गवर्नर को मारे या ना मारे, एक बजे बच्ची को मार देना। जो पिया था वो सब उतर गया, अब दोबारा पी सकता हूँ। इसे किधर तो देखा है, कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा है। हेलो एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने आपको कहीं देखा है। सर आप बता सकते हैं क्या? सर एक्सक्यूज मी आपको कहीं देखा है? हेलो जी सर, लाओ रम मिक्स नहीं हो तो डेंजर है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरा नाम चक्रवर्ती है, मैं एक बैंक एम्प्लॉई हूँ, मैं वाइजाग से आया हूँ। स्टेशन पर उतरा तो एक आदमी ने मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया और मुझे इस होटल में आई हुई गवर्नर को मारने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। सर मेरी बात आपको झूठ लग रही होगी सर, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सर प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए। वो यहीं खड़ा है, ग्रीन शर्ट पहने हुए रिसेप्शन के फ़ोन से बात कर रहा है। मेरी बात मानिए सर, ये सच है सर, मेरी बच्ची के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार करता हूँ सर, सर प्लीज़ सर प्लीज़ उसको फ़ोन कीजिए सर। ओके थैंक यू बाय। मैं इतनी देर से बोल रहा था, मैं पागल हूँ? पेपर है। चक्री क्या कर रहा है? पेपर खरीदा है। डोंट वेस्ट टाइम, तुम यहां पर पेपर पढ़ने नहीं आए हो, किसी को मारने आए हो। एक्सक्यूज मी मैंने आपको पहले कहीं देखा है? नहीं, ये ना बोल रहा है, मैंने कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, याद नहीं आ रहा है। बैग मार्शल सब याद आ जाएगा। बैड मिक्सिंग, मिक्सिंग गुड मिक्सिंग। हेलो 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 जुमरी स्पीकिंग यार। सर वो पानी अच्छा नहीं है। अरे इसलिए तो विस्की में मिलाकर पी रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये फाउंटेन ना, ये सेल फोन है, कहीं दूर से फोन आता है ना तो लगता है बाजू में खड़ा होकर बोल रहा है। आप भी ये खरीद लो। मैं तो बोल रहा हूँ ना, पैसा एक करो। संजना राजू जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना तुम। गवर्नर को शूट करता हूँ मैं, तुम पब्लिक को शूट करना। पर सिक्योरिटी मौके पर कोई सिक्योरिटी का मुझे पता है, मेरे हाथों ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी शूट किया, जनता को तुम देखना, गवर्नर को मैं देखता हूं। सर जेंटलमैन जरा सुनिए। हाँ बोलिए सर। आप लोग गवर्नर को शूट करेंगे क्या? हाँ सर। अरे ये क्या माजरा है यार। ओके सर। हाँ हाँ तो कहाँ के हैं आप? इसी शहर में रहता हूँ। आप कहाँ के शहर के? एक्सक्यूज मी सर जी, मोहन जी आपको अर्जेंट बुला रहे हैं सर। सालों से रहते हो क्या यहाँ पर? अच्छा कमिश्नर, ये गवर्नर को शूट करने के लिए आया है, अरेस्ट देम। अरेस्ट क्यों करेंगे सर, हम लोग तो गवर्नर को शूट करने का 2 महीने से प्लान बना रहे हैं। 2 महीने से प्लान कर रहे हो? कितने आदमी हो? हाँ बहुत सारे। अरे इन लोगों का तो बहुत बड़ा गैंग है, जल्दी अरेस्ट कीजिए इन्हें। तुम लोग गवर्नर को शूट करोगे? सर 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 हम लोग रिवॉल्वर से नहीं,
हम लोग तो वीडियो कैमरा से शूट करने वाले सर। आपका मतलब? हाँ सर, मैं जेमिनी टीवी से हूँ और ये ई टीवी में है और हम लोग ये प्रोग्राम शूट करने आए थे। अरे शूट करना है, शूट करना है बोला तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। बेवजह टेंशन दे दिया। डोंट गेट एक्साइटेड सर। देखिए सुमित्रा सिर्फ गवर्नर ही नहीं मेरी धर्म पत्नी भी है। Excuse me, sir. जी बोलिए। आप वहाँ पर बैठिए। वो क्यों? वो सर मैं आपको गवर्नर के पास में बैठने के लिए कह रही हूँ। थैंक यू। गवर्नर को आने में थोड़ा समय लगेगा, ये मैसेज मुझे अभी अभी मिला है। इसके लिए हम सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, आप सभी कार्यक्रम का आनंद लीजिए। थैंक यू। पास आजा कहीं दूर ना जा मेरी बेकरारी को समझे ना। आंखों की हंसी से दिल में समा जाए बाहों में धर ले तू अपना बना ले मेरी जाने जा क्यों समझे ना। मेरी धड़कनों में
में कोई राग छेड़ो करके कोई जादू पढ़ने लगी है ये बेताबी मैं खुद से भी हूँ बेकाबू दिल का इशारा दिल ही जाने ओ मेरे दिल में जाएगा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ तुझको ही देखा करूँ तेरी बातें किया करूँ ख्वाबों में ही सोचा करूँ ओ मेरी जान जा ओ मेरी दिल रुबा तुझे क्या पता दिल तुझ पे बिता है तू ही तो मेरे दिल में तुझसे ही प्यार करूं तुझको बता दूं मेरा भी जब बादल कहीं खो गया है इसे ढूंढ ला ऐसे में इसे ना सता मदहोशी अभी सताने लगे अब तू ही बता क्या करें प्यार की बातें करते रहे और हम तुम आहे भरे तुम्हारा तुम ही जानो कहना मेरी जान तुम मेरा मानो दिल में तुझसे ही प्यार करूं नस नस में तू ऐसे समाई सांसों में तेरी खुशबू लेडीज एंड जेंटलमैन किसी कारणवश गवर्नर इस प्रोग्राम में नहीं आ रही हैं इसके लिए हम कला क्षेत्र की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं थैंक यू हाथ क्यों छोड़ दिया था जिंदगी में जिन जिन नहीं विस्की नहीं है तो सब ब्रांडी सही है सब ब्रांडी है ना हेलो एक्सक्यूज मी गुड आफ्टरनून सर आप मिनी बार में क्यों आए हैं मिनी बार में मेरी आइटम रहता है ये उनका यहाँ चला आया हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो बार अलग अलग है
वेटर तो एक ही है ना। फिलॉसफी है क्या? साइकोलॉजी। तुम मेरे लिए एक लार्ज स्कॉच लेकर आओ। ओके सर। सबके लिए लेकर आओ। उनके लिए क्यों सर? मैं जो पियूंगा वो सब पियेंगे। I am giving a party. मेरे लिए एक चिकन तंगड़ी कबाब लेकर आ। ओके सर। उन लोगों के लिए भी। सभी के लिए क्यों? मैंने कहा ना, मैंने पार्टी दी है, मैं जो खाऊंगा वो भी वही खाएंगे। जाओ लेकर आओ। लाता हूँ सर। बिल। बिल? या डू यू एक्सेप्ट कार्ड? ऑफ कोर्स। या टेक। सर आपने गलती से विजिटिंग कार्ड दे दिया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ यह विजिटिंग कार्ड है। तो फिर बैंक कार्ड किधर है? बैंक कार्ड हो या विजिटिंग कार्ड हो, आपने पूछा नहीं, मैंने बोला नहीं। आपने बोला कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, मैंने दे दिया। टेक। साइज कम पड़ता है तो मैं वेडिंग कार्ड भेजता हूँ। फोन नंबर रख लेना इज्जत से। हे यू, कम हियर। सर दीवार के ऊपर कचरा है। देखा है सर। ये बहुत गंदा है। हाँ गंदा है सर। ये 5-star होटल है ना? हाँ सर। ढाबा तो नहीं है ना? नहीं सर। जाओ और जाकर बाल्टी में पानी डालकर सर्फ के साथ इसको धो। जाओ। ठीक जाओ, है सर। जाओ। यस टॉयलेट्स गो दैट साइड स्ट्रेट। सीधे सीधे जाइए। एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी। ऐसे सीधे जाना और लेफ्ट साइड ले लेना। वो क्यों? पूल साइड पर गवर्नर साहिबा की मीटिंग है, आपको जाना है वहाँ। ये कार्ड नहीं चलेगा, प्रेस कार्ड लेकर जाइए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके सर, आप जाइए सर, आप आइए प्लीज सर। हाँ सर, सब ठीक चल रहा है ना? ओके सर। मिस्टर प्रसाद सर, व्हाट इज दिस? यू आर ए पुलिस ऑफिसर, तुम कोई गुंडे नहीं हो। इस तरह तुम्हें देखकर कोई ऑफिसर नहीं कहेगा। तुम ठीक ढंग से ड्यूटी पर नहीं हो। डोंट रिपीट दिस मिस्टेक। अपनी शर्ट के बटन मत। आई एम सॉरी सर। मेरे को चेक कर रहे हो? मेरे को चेक कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं? हम एमपी के भाई हैं। हटो। एक्सक्यूज मी, अभी फोन करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? ये चेक नहीं करने दे रहे हैं। प्लीज कोऑपरेट। कहाँ कोऑपरेट करना? जानता नहीं, हम चाहूं तो पूरा डिपार्टमेंट को बैन कर सकता हूँ। शट अप। चलो अभी फोन करता हूँ। आई सेड शट अप। तुम एमपी के भाई हो या प्राइम मिनिस्टर के भाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वालों को घर का वॉचमैन समझ रहा है। रिमूव हिम। यस सर। चलो। अरे क्या कर रहे हो? चलो। क्या कर रहे हो हमारे साथ? क्या है? की सर। दिखाओ। आइए सर। सर हेलो सर, इधर आइए, इधर आइए, चेक करना पड़ेगा। प्लीज आइए, प्लीज आइए, आइए आइए प्लीज। You may go. आप आइए। चगरी, अभी मैंने बेनाक से बात की है, बच्ची सो रही है। अभी इस बार स्टिक प्ले नहीं करेगा तो बच्ची सोई हुई है, नहीं तो
हमेशा के लिए सो जाएगी। Go ahead, check. सुनो चक्री, तुम गलत कर रहे हो चक्री, डोंट मेक अ मिस्टेक। सर सर, वो गवर्नर को मारने का प्लान कर रहा है सर, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है सर। उसने तुम दो बार मिस कर चुके हो मिस्टर चक्रवर्ती, इस बार मिस मत करना। अब तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है, करेक्ट नजर रखे हुए और कड़ी नजर रखो। ओके। हेलो विनायक, वैजू क्या कर रही है? वैजू अभी सो रही है चक्री। Why do you waste time and energy? She has come. थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गवर्नर इतनी बिजी हैं, फिर भी उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। हम गवर्नर का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन है कि वो मंच पर आए और दो शब्द कहें। भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेंटली डिस्टर्ब चिल्ड्रन के लिए यह संस्था सालों से अच्छा काम कर रही है। यह संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फंड से सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसी फंड की मदद से आज इन लोगों ने यह हॉस्पिटल बनाया है। आज हमारे शहर में जो विकलांगों के लिए हॉस्पिटल की नींव डाली है, really sorry. ये वाकई में नई किरण है। ना जाने कितने ही विकलांगों को एक नई दिशा मिलेगी। कौन से पेपर से हैं? की जिंदगी बदलेगी, कितने हिंदू बाप आश्वस्त होंगे। ओ आई सी, विकलांगों के लिए। आई एम संजना, सेक्रेटरी टू द गवर्नर। वहाँ उनका खास ध्यान। मैं आपसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। वही बदलता नजरिया, कुछ सीक्रेट है, आजकल हमारे भारत देश में भी दिखाई देने लगा है। व्हाट इज दिस? प्लीज विकलांगों के लिए कई स्कूल, हॉस्पिटल, कार्यस्थल। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। उनका मनोबल। यहाँ पर एक आदमी है जो गवर्नर को मारना चाहता है। What? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये बात आप कैसे जानते हैं? क्योंकि उसने मुझे मारने के लिए भेजा है। प्लीज प्लीज, यहाँ पेशेंट्स आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बढ़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बढ़ेगी तो फंड्स की भी जरूरत होगी, और फंड्स द्वारा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का इलाज भी होगा। मैं किलर नहीं हूँ, सॉरी। मेरी बच्ची को किडनैप करके मुझे गवर्नर को मारने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हारी बात मैं कैसे मानूं? मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच्ची बात है। तो चलो पुलिस के पास चलते हैं। रुको प्लीज, आई एम सॉरी। नहीं, क्यों नहीं? पुलिस और सेक्रेटरी साहब उससे मिले हुए हैं। मैं सच कह रहा हूँ। नो, मैं नहीं मानती। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो प्लीज, मेरी बात समझो। अगर पुलिस और गार्ड नहीं मिले होते तो मेटल डिटेक्टर के होते हुए भी मैं यहाँ कैसे आ सकता था, वो भी हथियार लेके। प्लीज, अब तो मानोगे मेरी बात? मैडम जो स्पीच दे रही है उसको खत्म होने में 10 मिनट बाकी है। बिफोर दैट चलो चलते हैं। कहाँ? पर कहाँ? आपने मुझसे हेल्प मांगी है ना? हाँ। गवर्नर के खास आदमी से मिलने के लिए। उनका आईक्यू लेवल चलो उम्र के हिसाब से कम होता है। मान लीजिए शरीर से वो भले ही नौजवान दिखे पर उसका मानसिक स्तर 5 साल के बच्चे जैसा है। अक्सर ऐसे लोगों के साथ समाज में दुर्व्यवहार, उनकी कमजोरियों को मजाक का मामला बना दिया जाता है। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड टू शेयर फ्यू ऑफ माई थॉट्स। कॉफी बोले आधा घंटा हो गया सर। ओ प्लीज कम इन।
सर। इतनी जल्दी मीटिंग खत्म हो गई? प्लीज सर, मैं आपसे जरूरी बात करने आई हूँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? मैडम को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। व्हाट? यस सर। मैडम? यस सर। यू मीन सुमित्रा? हाँ सर, पुलिस डिपार्टमेंट सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ सब मिले हुए हैं। नो, मैं नहीं मानता। प्लीज सर, शी इज इन डेंजर। तुम्हें ये सब किसने बताया? इन्होंने सर। ये कौन है? मैडम को मारने के लिए इसे भेजा गया है। ये क्या बकवास कर रही हो? मैडम को मारने आया तो उसे पुलिस के पास ले जाना चाहिए, मेरे पास क्यों लेके आई हो? सर, सर मैं किलर नहीं हूँ सर। अगर मैंने गवर्नर को नहीं मारा तो वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे। ये किडनैप और ब्लैकमेल ये क्या है? सर अगर आप नहीं माने तो नीचे ब्लू पेंट की गाड़ी। अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो कमिश्नर नहीं है, मैं अभी बुलाता हूँ। सर सर प्लीज, वो भी मिला हुआ है। मैं नहीं मानता। ये बात सच है सर, सिक्योरिटी स्टाफ इतनी तलाशी लेने के बाद और मेटल डिटेक्टर होने के बावजूद भी ये आदमी गन लेकर मीटिंग में आ गया। अगर ये मिली भगत नहीं है तो क्या है? सर यू हैव टू बिलीव दिस, यू मस्ट बिलीव दिस। मैं जो फोन कर रहा हूँ जस्ट सेफ्टी के लिए। हेलो। यस सर। ईश्वर प्रसाद से बात कराइए। आपका नाम सर? मैं मोहन बोल रहा हूँ। एक मिनट। हाँ हेलो ईश्वर। आप एक बार मेरे कमरे में आ सकते हैं? मुझे आपसे खास इम्पोर्टेंट बात करनी है। किस बारे में? वो क्या है, सुमित्रा के मर्डर के बारे में कोई प्लानिंग कर रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप मेरे कमरे में आ सकते हैं? देखिए, मैं अपनी बीबी को बचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो सिर्फ मेरी धर्म पत्नी नहीं बल्कि स्टेट की गवर्नर है। प्लीज कम। थैंक यू। सर क्या बोला उसने? वेट। व्हाट्स द मैटर? क्या हुआ है? सुमित्रा को मर्डर करने का कोई प्लान बना रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया और मेरी एक ना सुनी उसने। रिलैक्स प्लीज 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 प्लीज, यहाँ आकर बैठिए। मैंने कितना समझाया उसे पर मेरी एक ना सुनी उसने। चिंता मत करो मिस्टर मोहन, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। सुमित्रा को मैं अभी राजभवन लेके जाऊंगा। क्यों? तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लीव इट। हम लोगों के रहते हो भला सुमित्रा को कौन मार सकता है? और ये गन कहाँ से आई? इसके बच्चे को किडनैप करके ये लोग गवर्नर को मारने के लिए इसे मजबूर कर रहे हैं। कूल ऑफ, रिलैक्स, एक्साइटेड मत हो। आई विल डील द मैटर। कौन है आप? सर मेरा नाम चक्रवर्ती है। ये गन आपके पास कैसे आई? मैं वाइजाग से हैदराबाद आया हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ सर। सर ईश्वर जी आए हैं। आने दो। सुनो, तुम्हें गन के बारे में बहुत जानकारी है ना? सर ये गन आई थिंक क्या हुआ? सर यही वो आदमी जिसने मेरी बच्ची को किडनैप किया, इसने मुझे गवर्नर को मारने के लिए सर। ये सर ये मेरी बच्ची को मार देगा सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। यही है। तुमने मेरी बीबी को मरवाने की कोशिश की? ये मेरे पास आया तो कोई बात नहीं, कहीं और पहुंच जाता तो क्या होता? संजना भाग जाओ यहां से। नो नो, भाग जाओ संजना यहां से। रुको। मोहन तुम क्या पागल हो गए हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आदमी आखिर कौन है जिसे तुम रेलवे स्टेशन से किडनैप करके लाए हो गवर्नर को मारने के लिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? करुणा कर, तुम मेरी बात सुनोगे? ये तुम भी जानते हो और मैं जानता हूं, तुम्हारी बीवी की वजह से गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि मैंने गवर्नमेंट में कितना पैसा लगाया है। मोहन यू नो प्रिटी वेल, ये कॉन्फ्रेंस ही लास्ट चांस है। ये चांस अगर मिस हो गया तो तुम्हारी बीवी सीधे राजभवन जाके सिग्नेचर करेगी, सरकार गिरेगी, हमने जो खर्चा किया है पानी की तरह बह जाएगा, सब वॉश आउट हो जाएगा। ये लास्ट मिनट की टेंशन मुझे नहीं चाहिए। तुम बोल लिए, तुम्हें जो बोलना था बोल दिया। करुणाकर तुम्हारा प्रॉब्लम सिर्फ पैसे का है और मेरा प्रॉब्लम कई ज्यादा है।
मैं इतने समय से सिर्फ गवर्नर का पति था, पति का दर्जा नहीं मिला। अगर वो मर गई तो तुम्हें करोड़ों मिलेंगे, नहीं मरी तो मैं सिर्फ सुमिता देवी का पति ही बना रहूंगा। सो उसका मरना तुम्हारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो आसानी से नहीं मरी तो दुबई से 1 करोड़ रुपया खर्चा करके प्रोफेशनल किलर बुला लेता। सुमित्रा देवी सिर्फ मेरी धर्मपत्नी नहीं, इस स्टेट की गवर्नर भी है। अगर वो मर जाती है तो गवर्नमेंट 10 करोड़ खर्चा करके सीबीआई इंक्वायरी बिठा देगी। राजीव गांधी हत्या केस में 2 फूल के हार के रसीद के बल पर 3,000 लोगों को पकड़कर उनके माध्यम से 27,000 आदमियों को फांसी पर लटका दिया, समझा? आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए इसको इस काम के लिए इन्वॉल्व किया है। तो क्या करोगे? अगर ये नहीं मार पाया तो इसको ही मार डालेंगे। इसे मेरी बीबी को मारने की जरूरत नहीं है, मुझे गन दे दो, मैं दोनों को ही मार डालता हूं। अगर इस केस की इंक्वायरी हुई, इसने अगर मेरी बीबी को मारा तो कोई पूछने वाला नहीं है। इस केस को मिनिस्ट्री एक हत्या केस मान लेगी। तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल स्मूथ है, ओके। अगर तुम अपनी बीबी को नहीं मार पाए और बात लीक हुई तो मैं तुम्हारी बीबी को मार के इल्जाम तुम पर डाल दूंगा, ओके? अच्छा? मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली ऐसा फील हो रहा है क्या? मैं अपनी बीबी को मारने के लिए तैयार हूँ। क्या रे, अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है? तुम्हारा करेक्टर तुम्हारी बीवी को नहीं मालूम होगा लेकिन मुझे मालूम है। मुझसे कोई गेम मत करना। ईश्वर, सजना को अर्जेंटली पकड़ना है, सुनो, और गवर्नर से फोन पर बात ना कर पाए, सब ऑपरेटर को बोल के रखो। ईश्वर, देखो तुमसे बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुमसे बोल रहा हूँ, इसके ऊपर नजर रखना। आई थिंक ही इज वेरी डेंजरस, कैसे भी काम होना चाहिए। देखो देखो, गौर से देखो, 5 मिनट पहले इसमें जान थी, अब नहीं है। मुझे गौर से देखो, 10 मिनट में मेरा दूसरा रूप देखेगा, समझ गया? नहीं, उठ जा, जान ले लूंगा। तू बहुत सयाना है ना, तू सोच भी नहीं सकता कि मैं कितना बेरहम हूं। अब आगे देख, तुम दोनों की जान कैसे जाती है। देख देख विनायक, बच्चे से बात कराना अपनी तरीके से। डैडी चाहिए ना? हाँ चाहिए। जोर से बुलाओ, आ जाएंगे। ये लो डैडी। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट डैडी, प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट डैडी, प्लीज मेरी बच्ची को मत मारना डैडी, प्लीज प्लीज स्टॉप इट, प्लीज। मुझे मालूम है चक्री, मुझे मालूम है तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन मेरे पास तेरी बच्ची है। मुझे मालूम है चक्री, क्या अपनी बच्ची को मरते हुए देख सकते हो? प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जो बोल रहा हूं सुनो, आप गवर्नर को मारने के लिए बोल रहे हैं, मैं मार देता हूं। चलो चलो, ऑपरेटर। यस मैडम। जल्दी से गवर्नर से लाइन कनेक्ट कीजिए। सॉरी मैडम। क्यों? गवर्नर को लाइन देने से मना किया मैडम। सुनिए, मैं गवर्नर के सेक्रेटरी संजना बोल रही हूँ। मैडम वो आप लाइन दीजिए प्लीज। गवर्नर के हस्बैंड ने खुद मना किया है। आई एम सॉरी। चाचा, मेरे साले ने कहा है कि हैदराबाद में भैंस की दवाई मिलती है, आपके पास है? भैंस, भैंस की दवाई? अरे आपको पता नहीं है क्या वो भैंस के बारे में? भैंस भैंस। अरे बंदर के लिए नहीं, भैंस के लिए, भैंस। अच्छा तुम गूंगे बहरे हो, समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं, समझाता हूं। काली होती है, सफेद दूध देती है, और क्या? घास खाती है ऐसे, आ, 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 आ,
घास घास दूध। इतना समझाने के बाद भी इसे समझ में नहीं आया। ये क्या है? ऐ? ऐ? बिस्कुट है, एक पैकेट दो दो। आप जो, अरे मेरे को दो, मुझे नहीं बेचोगे? अरे फोकट में थोड़े ले रहा हूं, ये लो पैसा। अरे तुम अच्छा कर रहे हो, बच्चों का खेल खेल रहे हो क्या? अच्छा गोटी खेल रहे हो। अरे ऊपर क्यों आ रहे हो भाई? धत तेरे की, मैं भैंस की बात कर रहा हूं और तू कुत्ते की बात कर रहा है? अरे मैं तुझे गूंगा बहरा समझा था, तेरे पास तो दिमाग भी नहीं है। फाइव स्टार में कुक होने से अच्छा है भीख मांग के खाना खा लो। एक बोलता है चिकन सूप, दूसरा बोलता है जैकी चैन सूप, एक बोलता है तंदूरी चिकन, दूसरा बोलता है जेम्स बॉन्ड मटन करी। मेरी तो समझ में नहीं आता, तेरा भाई कौन है रे? अरे भाई तुम हो, क्या हुआ तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है क्या? शादी पक्की हो गई भाई, कार्ड देने आया हूँ। अरे अच्छा जग्गू, क्या भाई प्रमोशन क्या हो गया? तू तो दोस्तों को ही भूल गया भाई, बड़ा आदमी बन गया तू तो। ऐसी बात नहीं है, इतने दिनों से दिखाई नहीं दिए ना, इसलिए तुम्हारी फोटो पेपर में छपवाने वाले थे। अगले हफ्ते मेरी शादी है। ओ, अपना यार दूल्हा बनने वाला है। अरे जगन, इतनी उम्र में शादी कर रहे हो, तुम्हारी शादी एक मैसेज होना चाहिए। चुप रहो। सुनके क्यों ऐसे शर्माए, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, जोर जोर से हंस भी दो, जोर जोर से कह भी दो, जोर जोर से हंस भी दो, जोर जोर से कह भी दो। जाने क्यों ये आँख चुराए, शादी की बातें सुन के क्यों ऐसे शर्माए। धज के दे हम भी चलेंगे, मौज करेंगे, झूम के नाचेंगे, अरे यही तो है अपना यारो सपना, खुशी से गाएंगे। दिल का चैन लुट गया, ये तो ये लुट गया। आहे देखो रे देखो, जाने क्यों ये आँख चुराए,
शादी की बातें सुन के क्यों ऐसे शर्माए। हूँ मालिक बनने का इसका ड्रीम लाइफ, रैम्बो की लाइफ में अब से होगी इसकी ओन वाइफ। बैचलर भिंडी फ्राई शादीशुदा टमाटर आहे। देखो रे देखो जाने क्यों ये आंख चुराए, शादी की बातें सुन के क्यों ऐसे शर्माए। कुछ तो बोलो मुंह तो बोलो, जोर जोर से हंस भी दो, जोर जोर से कह भी दो, जोर जोर से हंस भी दो, जोर जोर से कह भी दो। आ जाएंगे। कब आएंगे? आ जाएंगे, बोला ना। जाकर बुला कर लाओ ना। क्या हुआ बोलो? बच्ची कैसी है? मरी नहीं, जिंदा है। कंट्रोल विनायक, उसे प्यार से मारने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। एक बजे तक वो जिंदा रहना चाहिए। उसको जो भी पसंद है वही करो। क्या? उसको जो भी पसंद है वही करो। थैंक्स। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? माय डैडी। तुम्हारे डैडी के अलावा? माय डैडी। कुछ बोलूंगा तो सुनाई नहीं देगा। मेरी बच्ची को बचाना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कलर की शर्ट वाला यहाँ आ रहा है, शायद तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम ऐसे चले जाओ। क्या कर रहे हो? तेरे को ही बोल रहा हूं। मैंने कहा क्या कर रहे हो? वो गूंगा और बहरा, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो देखो, इंडिया टुडे है क्या? हाँ,
एक बार मुझे मेरी बच्ची से बात करना है। मैं बेजू से बात करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनने का, कुछ नहीं सुनने का। जब तक तुम मेरी बेटी से बात नहीं करवाओगे मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे अभी मेरी बच्ची से बात करना है, अभी और इसी वक्त। विनायक बच्ची को फोन दो। ओके, डैडी से बात करो। डैडी, हेलो हेलो, बेजू बेजू बेजू, कैसे हो बेटा, कैसे हो तुम? डैडी आप कब आएंगे? मैं जल्दी आता हूँ बेटा। डैडी, अंकल को देखने से मुझे डर लगता है। डैडी आप जल्दी आइए। हाँ बेटा, मैं जल्दी आता हूँ बेटा। डैडी मुझे एक पप्पी दो ना, और एक पप्पी दो ना डैडी। काम जल्दी खत्म कर दोगे तो फोन पर नहीं, तुम्हारा बच्चा तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा। चलो कॉफी शॉप पे नीचे। चक्री कहाँ जा रहे हो? मेरा सर दुख रहा है, कॉफी पीने जा रहा हूँ, चलोगे क्या? एक्सेस में? यस सर। शर्ट लगाओगे? हाँ जी, तो लगा ही रहता है। शर्ट के बारे में ध्यान से सुनो, मैं इन आंखों को दांतों से लगाऊंगा। आपको दांत से? दांतों से लगाऊंगा। ओ ऐसा क्या? ओके सर, वन इंडियन सॉलिड बेट रेडी। थैंक्स। हारना जीतना एक सीढ़ी की तरह है। एक्सक्यूज मी सर, मेरी सीढ़ी पे चढ़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जाता हूँ। मैं तुम्हें कौन सीढ़ी चढ़ाता हूँ? शर्ट लगाते हैं। मैं नाक को कान से लगाऊंगा। नाक को कान से लगाऊंगा। पूरी स्पेयर पार्ट्स की दुकान तो नहीं लेकर आया? सर सर सर, फॉर माय सेक। यस। ओके अभी शर्ट लगाते हैं। ओके ओके सर, वन रेनॉल्ड्स बेट। ओके। ये गलत है सर। किसका नाक किसके कान पर लगाऊंगा ये तो मैंने बोला ही नहीं था। ओके, नाराज मत हो ना। थैंक यू। वन कॉफी। ओके सर। कॉफी सर, स्ट्रॉन्ग कॉफी। टॉयलेट जा रहा हूं, क्या चलोगे? ये सामने वाला आदमी है ना, ये फ्री में काम नहीं कराता, वो ही दे देगा। अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी करो, अर्जेंटली ड्रेस चेंज करो। वो क्यों? बाद में बताता हूँ, पहले तुम चेंज करो। जल्दी करो, जल्दी। जल्दी करो, जल्दी, जल्दी करो। वो आ रहा है, वो आ रहा है। जल्दी करो, चलो निकलो यहां से, चलो चलो चलो।
वो चला गया। सर आप गूंगे और बहरे हैं, ये बात कोई मानेगा क्या? सुनो, तेरे को कोई नहीं पहचानेगा। हाँ। इस रास्ते से जल्दी से चले जाओ। हाँ। जल्दी जाओ। क्यों जाऊं सर? तुमने हेल्प के लिए बोला ना। सर मुझे जाना होता तो मैं कब का चला गया होता? मतलब? सर अगर मैं गवर्नर को नहीं मारूंगा तो वो लोग मुझे और मेरी बच्ची को मार देंगे। सर सर मैं मर गया तो कोई अफसोस नहीं, लेकिन सर मेरी बच्ची सलामत रहनी चाहिए। सर दुनिया में उससे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। सर प्लीज सर। ओके प्लीज हेल्प मी। प्लीज सर। सर थैंक्स सर। रहने दो, मैं कौन हूँ आप नहीं जानते, फिर भी आपने मेरी मदद की। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, इस पे कोई एहसान की बात नहीं। मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझे थैंक्स बोलो। कई साल पहले मेरी भी एक बच्ची थी, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई और वो चल बसी। उसे मरे हुए 5 साल हो गए, मैं अभी तक उसे भुला नहीं पाया हूँ। मेरी वही बच्ची आज तुम्हारी मदद करवा रही है। सर चलो, इस समय मेरी मदद करने वाला एक ही है, गवर्नर। मैं गवर्नर के रूम में जाना चाहता हूँ सर, मेरी मदद करो सर, प्लीज मुझे गवर्नर के रूम में पहुँचा दो। गवर्नर के रूम में? तुम वहाँ कैसे जाओगे? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है सर। तुम्हारी मदद सिर्फ बिग सिस्टर ही कर सकती है। चलो चलो चलो। चाचा का लड़का समझ के दुकान खुलवा कर दी। प्लीज प्लीज, तुझसे तो संभलता नहीं है। प्लीज सिस्टर, मैं तेरी क्या मदद करूं? प्लीज सिस्टर, तुझसे और नहीं होगा। सिस्टर इसको हेल्प करने का है। अब जाओ, बोलती हूँ। तो सिस्टर किसी की जान बच जाएगी, मदद करो सिस्टर, एक बार हेल्प कर दो प्लीज प्लीज। अब ये आदमी कौन है? कर सकती हूँ मेरे सिस्टर, को किसी की कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज सिस्टर 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 एक मैं बार, तेरे एक हाथ बार जोड़ती हूँ, तू जा यहाँ से। कभी नहीं भूलूंगा सिस्टर, मेरे को लफड़े में मत फंसा। आखिरी बार मैं तुम्हारे पास, मेरा दिमाग मत सड़का, समझा क्या? कभी नहीं भूलूंगा, एक बार मदद कर तू सिस्टर सिस्टर। एक मिनट, सॉरी, ये स्टाफ लिफ्ट है। मैं गवर्नर का पर्सनल सिक्योरिटी हूँ। आइए अंदर। सिस्टर एक बार मदद कर दो। मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरे से कुछ नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। चलो सिस्टर प्लीज सिस्टर, इतनी बेरुखी से बात मत करो। मुझे रिस्क नहीं लेना सिस्टर। थैंक्स सिस्टर, मास्टर की। अरे भैया, आप लोग ऐसे बीच में बैठे हैं तो हम जाएंगे कैसे? अरे अरे देखो सब गिर गया, कमर में दर्द है, जरा उठा कर दो भैया। थैंक्स भैया, तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। अब जल्दी जाओ भी। प्लीज 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 मैडम,
प्लीज बेटा बैठ जाइए प्लीज 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 मैडम बैठ जाइए प्लीज। मैडम मेरी बच्ची को किडनैप कर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। किस लिए? आपको मारने के लिए। व्हाट? हाँ मैडम, अगर मैंने आपको नहीं मारा तो वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे मैडम, और मेरी बच्ची को सिर्फ आप ही बचा सकती है मैडम। ओके, मैं अभी कमिश्नर से बात करती हूँ। रुको, नहीं मैडम, नहीं, वो भी आपको मरवाना चाहते हैं। I don't believe this. मुझे मरवाने के लिए कहा गया? हाँ ये सच है। ओके, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ। नहीं, नहीं। क्यों नहीं? कमिश्नर से बात करने के लिए मना किया, मेरे हस्बैंड से तो बात करने दो। मे बी आई कैन हेल्प यू। नहीं, आपको मारने के लिए आपके पति ने भी बोला है। मुझे पता है आप मेरी बात नहीं मानेंगी, लेकिन यही सच है। मेरे क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। आई एम मैड। मैडम मेरी बच्ची वैजंती 4 साल की है, उसके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है मैडम। उन्होंने उसको किडनैप करके रखा है। देखिए मैडम, आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही पुलिस को फोन करने की, कमिश्नर को भी नहीं। मैडम मैडम प्लीज मेरी एक बात मानो प्लीज। आप इस मीटिंग में मत जाइए मैडम। अगर आप नहीं जाएंगी तो मेरी बच्ची की उम्र 100 साल की हो जाएगी। उस मीटिंग से इसका क्या संबंध है? क्या तुम पागल हो गई हो? पागल हो गई हो तुम? अगर आप वहां पर गई तो मुझे आपको मारना पड़ेगा। अगर मैंने आपको नहीं मारा तो आपका पति आपको मार देगा, मार देगा आपको। आप अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने वेटर को गोली मारी थी, आपकी सेक्रेटरी को भी ये बात मालूम है कि वो लोग आपको मारने वाले हैं। इतना समझाने के बाद भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। मैडम आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैडम एक बात जरा सोचिए, आफ्टर ऑल एक मामूली बैंक एम्प्लॉय इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी गवर्नर के रूम में गन लेकर कैसे आ गया? अभी भी आपको यकीन नहीं होता मैडम। मैडम आपका पति आपको क्यों मारना चाहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बच्ची मेरी जान है, और यस मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और किसी को भी मार सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ। जल्दी से अंदर आओ। क्या हुआ? जब से तुम अंदर गए हो टेंशन से मेरी जान निकली जा रही थी। गवर्नर ने क्या कहा? जो बोलना था बोल दिया, मैं उनको गन देकर चला आया। मतलब जो बात तुमने उनसे कही उसे जानने के बाद अगर कॉन्फ्रेंस में नहीं आई तो ठीक है, अगर आ गई तो मैं उसको मार डालूंगा। मेरी बच्ची का ध्यान रखना। महाशय मुहूर्त का समय हो रहा है, वर वधु को आशीर्वाद देने आना, मुझे तो और भी शादी अटेंड करनी है।
कहाँ है? टॉयलेट में है। कॉन्फ्रेंस के लिए 10 मिनट का समय बचा, इस तरह उसे छोड़ेंगे तो मिशन के लिए अच्छा नहीं है। टॉयलेट चेक करो। चगरे, चग, 1 मिनट। चलो सुमित्रा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? What happened? Nothing serious. थोड़ा अनइजी फील कर रही थी। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। करुणा कर, तुम अपने रूम पर जाओ, मैं भी आता हूं। ओके। अब ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो यहां पर क्यों आया हुआ है? क्यों? ओ करुणा कर, मीटिंग के लिए आया हुआ है। तुम यहां हो पता चला, इसलिए मिलने के लिए आया था। वो किस तरह का आदमी है तुम नहीं जानते। तुम उसके साथ क्यों फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, वो भी जब इस होटल में ठहरा है, मिलने के लिए आया है तो मना कैसे करूं? जल्दी रेडी हो जाओ, आखिरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। आखिरी मीटिंग? मतलब इस शेड्यूल का आखिरी मीटिंग। मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला दोगे प्लीज? अब डॉक्टर क्या देगा, सिर्फ दवाई देगा ना। इससे अच्छी दवा मैं तुम्हें देता हूँ मीटिंग के टाइम में। सुनो, मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम ये मीटिंग कैंसिल कर दो प्लीज। कैंसिल? एक जरा सी सरदर्द के लिए तुम मीटिंग कैंसिल करोगी? जो लोग आए हुए हैं वो क्या कहेंगे? जब मैं बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो तुम मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए जोर क्यों दे रहे हो? ऐसी बात नहीं है सुमित्रा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर गौर करो। मेरे लिए नहीं, ये मीटिंग तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मना करोगी तो सब अपसेट हो जाएंगे। अपने स्टेट के लिए आने वाले जो फंड्स हैं, तुम जो बात करोगी उससे डिसाइड हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए एक वर्ल्ड वाइज कवरेज है। दूसरी, तुम कोई भी मीटिंग कैंसिल करो, मगर ये मीटिंग कैंसिल मत करो, कम ऑन। मेरी तबीयत वाकई में सही नहीं है, प्लीज व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन टू देम? नो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना होगा। अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अकेले जाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, कोई बोलने वाला नहीं होगा। ओके ओके ना? ओके ओके, वेरी गुड। मीटिंग का टाइम हो रहा है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हो जाऊंगी, पहले तुम संजना को जरा यहाँ भेज दो। संजना? वो क्यों? उसने स्पीच पेपर्स तैयार की होगी, मुझे उसमें कुछ चेंजेस करनी है। ओह, वो किसी काम से गई है, आ जाएगी। स्पीच चेंज करना है ना? अरे वो मैं ही कर देता हूँ। ओके देखा तुम कितने फेमस हो गए हो, यहां पर भी देखो सिक्योरिटी वाले कुछ नहीं बोल रहे। नाउ द टाइम इज। हाँ, मुझे पता है। ओके
शेखर कमीन, शेखर कमीन, 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 शेखर। क्लोज रूम में वॉकी टॉकी काम नहीं करता है, इसको बंद करो। थैंक्स सुमित्रा, तुमने मरकर मेरी बहुत मदद की। मैं कभी से कह रहा था कि गवर्नर नहीं बनने का, लेकिन तुमने नहीं सुनी। इसका अंजाम देख लिया ना, अपनी मौत को खुद गले लगा लिया। इधर इतना आदमी होने के बाद भी कोई मेरी बीबी को नहीं बचा पाया, कोई नहीं बचा पाया। प्लान मैंने किया था, ये कोई साबित नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। तुम बच कैसे गई? कम ऑन ईश्वर, क्या हुआ ईश्वर,
क्या हुआ? हट जाओ, हट जाओ। आंखें बंद करो। वो क्यों? गेम है क्या? तेरे लिए सरप्राइज है। जब तक ना बोलूं आंखें खुलना मत। कौन हो तुम लोग? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, मुझे एक डाउट है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक मारुति है, लेकिन ये बोलता है कि टाटा सुमो है। रुको सर, एक मिनट। मैं तुमसे कह रहा हूँ ये टाटा सुमो है। टाटा सुमो मारुति है। टाटा सुमो ये मारुति है। एक मिनट सर, एक मिनट। ये टाटा सुमो है। मारुति है। टाटा सुमो है। मैंने कहा ना मारुति, साफ बोल रहा हूं मारुति। देखो डिस्टर्ब मत करो, ये एक जेंटलमैन है। जेंटलमैन तो बोलने को बोलो ना। सर इसको बोल दीजिए ये मारुति है सर, ये पिया हुआ है सर, आप बोल दीजिए सर ये मारुति है, जाओ। हाँ ये मारुति है, ये मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन आप इनसे कह दीजिए कि ये टाटा सुमो है। कह दीजिए। तेरी तो मैं तुझे बताता हूँ ये टाटा सुमो है कि मारुति है। मैं आपको समझू, वो गन मुझे दे दो, वो गन मुझे दे दो, वो गन मुझे दे दो। गन उसे मत देना, मुझे देना। डैडी का दोस्त हूँ, तुम्हारे डैडी ने भेजा मुझे। भेजू मुझे गन दे दो। भेजू बेटा इसे मत देना, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, मुझे दो। भेजू मेरे को देना। पापा का दोस्त हूँ बेटा, मुझे दो, इसे मत देना, दे दो मुझे। तुम्हारा डैडी बेजू, मेरी बच्ची। डैडी। संजना वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहां पर गया वो?
मैडम कहाँ देखो संजना मैडम हैदराबाद के मशहूर होटल भास्कर पैलेस में आज गवर्नर सुमित्रा देवी पर जानलेवा हमला किया गया। मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि अपने होशो हवास को खोकर गवर्नर के पति मोहन जी ने कहा कि उनको मरवाने के पीछे उनका भी हाथ था। चलो। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। मैं मोनिका राव, भास्कर पैलेस, हैदराबाद। आई वॉन्ट टू थैंक हिम, आई मस्ट थैंक हिम। इस हत्या के षड्यंत्र में अन्य आरोपियों के नाम इस प्रकार है। I turn around the clock, I turn around and turn around to make a little stop. Hey, what is this? Just because you are dirty. Just because you are dirty. Just because you are clean. Just because you are clean. Just because you kiss your friend.